जनता के मुद्दे होने चाहिए और आपकी बात होनी चाहिए और यह वायदा है खबरें तक आपके मुद्दे हमेशा उठाता रहेगा। लेकिन आज सदन में शेरो शायरी भी खूब हुई। मैं इसी शेरो शायरी के साथ इस चर्चा को विराम देता हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा थे और माहौल क्या था ये आप देखिए। नमस्कार। सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्या बात कर रहे, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। धन्यवाद। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सबर की इतहा कहां तक है। तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुदई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा।